सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज रेडियो और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कर्नाटक में बदला सिलेबस तो महाराष्ट्र की सियासत में आया नया चैप्टर। कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट ने गुरुवार को दो अहम फैसले लिए। पहला, सिलेबस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर केंद्रित चैप्टरों को हटाया जाए का निर्णय लिया है। वही दूसरा, धर्मांतरण रोधी कानून को निस्तारण करने का फैसला किया है। इससे बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछा कि जब वो क्यों नहीं बोले, अब वो क्यों नहीं बोले। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आप किसी का नाम किताब से हटा सकते हैं लेकिन दिल से नहीं हटा सकते। आप ऐसे किसी भी शख्स का नाम नहीं मिटा सकते जिसने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि कांग्रेस के साथ है, उसको अब क्या कहना है? क्या वीर सावरकर का यह अपमान आप मंजूर करेंगे? केवल कुर्सी के लिए समझौता करेंगे? बता दें कि राज्य में ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन और वीर सावरकर के मुद्दों पर पहले भी शिवसेना और कांग्रेस में विवाद हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 में पीएम मोदी की राह में कांटे बिछाने का काम करेंगे शरद पवार। प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने के लिए राजी करेंगे। शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी को ज्यादातर उन राज्यों में खारिज कर दिया गया है जहां वह शासन कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सत्ता हत्याने के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा है। एनसीपी प्रमुख का कहना है कि अगर लोगों ने राज्य स्तर पर बीजेपी को खारिज कर दिया है तो उनका नजरिया राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग ही होगा। उन्होंने बताया कि 23 जून को बिहार के पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में वह अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी गैर बीजेपी दलों को एक साथ बैठने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर विपक्षी एकता बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी एकता की कोशिशों को नहीं मिल रही ममता, कांग्रेस पर हमले जारी। कहावत बड़ी पुरानी है, सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताजा बयान पर यह कहावत फिट हो जाती है। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक है। ममता के सुझाव पर ही ये मीटिंग की जगह पटना तय की गई है। अब सवाल यह है कि क्या इस बैठक में ममता बनर्जी और राहुल गांधी साथ साथ बैठेंगे या फिर आमने सामने। दोनों नेताओं ने पटना आने की सहमति तो दे दी है लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है, संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुट करने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस को लेकर टीएससी और समाजवादी पार्टी कैंप में कोई खास उत्साह नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 महीने पहले कहा था कि उनके लिए तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी एक जैसी है। आज वही बात ममता बनर्जी ने भी दोहराई। टीएमसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है और बीजेपी कांग्रेस की गोद में। दक्षिण 24 परांगना जिले में एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि कांग्रेस हमसे सहयोग चाहती है पर हमले भी करती है। हम बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है लेकिन सीपीआई के हाथ मिलाने के बाद बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। ममता और कांग्रेस के 36 वाले रिश्ते जगजाहिर है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद बंगाल में लोकसभा की सबसे अधिक 42 सीटें हैं। महाराष्ट्र में तो पहले से महाविकास आघाड़ी है। इस गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।